राहन रही क्लास आज हम चैप्टर अलेवन साउंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम है लाउड स्पीकर इज थ्री पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स वार्ड पर स्केयर मीटर जो साउंड की इंटेंसिटी है थर्टी मीटर के डिस्टेंस पे वो थ्री पॉइंट टू इंटू टावर माइनस सिक्स वार्ड पर स्केर मीटर है वट विल दी इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल्स इंटेंसिटी लेवल डेसीबल्स में कितना होगा और जो थ्रेश हेयरिंग है वो हमें गेमन है वन टू पावर माइनस ट्वेल्व वर्ड पर स्केयर मीटर की ये बेसिकली क्या है आई नॉट की वैल्यू है जो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम सुन सकते हैं वो वन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व वार्ड पर स्केयर मीटर है तो हम डाटा नोट कर लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ ए डिस्टेंस थर्टी मीटर डिस्टेंस हमें थर्टी मीटर का गिवन है तो डी इक्वल आ जाएगा थर्टी मीटर के फ्रॉम ए लाउड स्पीकर इज थ्री पॉइंट टू इंटू टैन पावर माइनस सिक्स ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि आई हमें गिवन है थ्री पॉइंट टू इंटू टैन पावर माइनस सिक्स वाट पर स्क्वायर मीटर के वाट विल बी दी इंटेंसिटी लेवल इन डेसीबल्स इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है थ्रेशल्ड ऑफ हेरिंग इज वन इंटू 10 पावर माइनस ट्वेल्व तो ये आई नॉट की वैल्यू गेमन है अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू टेन लॉक आई ओवर आई नॉट है ये फार्मूला आपको मालूम है कि इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है टेन लॉक आई ओवर आई नॉट है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन लॉक I की वैल्यू थ्री पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स की वैल्यून इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व है और ये माइनस ट्वेल्व ऊपर जाएगा तो प्लस ट्वेल्व हो जाएगा तो टेन पावर सिक्स हो जाएगा ये माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व टेन पावर सिक्स तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो लॉग को जब दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा लॉग थ्री पॉइंट टू प्लस लॉक टेन पावर सिक्स यहां पे अगर डिवाइड का साइन होता तो माइनस आता मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आता है अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये टेन लॉग थ्री पॉइंट टू पॉइंट फाइव जीरो फाइव आएगा प्लस ये जो पावर में आ जाता है एक्सपोनेंट में तो पावर जो होती है वो पहले लिखते हैं और फिर लॉग लेते हैं सिक्स पहले लिखा और लॉग टेन लिया तो लॉग टेन वन के इक्वल होता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट फाइव जीरो प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो जाएगा तो ये सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फाइव जब टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एटी फाइव डी बी आंसर आ जाएगा इसका डेसीबल डेसिबल इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है

तो ये आई हमारे पास आ जाएगा वन इंटू टन पावर माइनस फाइव वाट पर स्केयर मीटर एक्सप्रेस द इंटेंसिटी लेवल इन डेसीबल्स यानी कि इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है देशल्ड हियरिंग फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड यानी कि आई नॉट वन इंटू टैन पावर माइनस ट्वेल्व वार्ट पर स्केयर मीटर तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी लेवल के लिए फार्मूला हमारे पास है टेन लॉग आई ओवर आई नॉट के वही फार्मूला जो हमने नोमरिकल नंबर वन में यूज़ किया तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन लॉग आई की वैल्यू वन इंटू टेन पावर माइनस फाइव और आई नॉट की वैल्यू वन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन लॉग ये वन टेन पावर माइनस ट्वेल्व है और माइनस फाइव है माइनस ट्वेल्व ऊपर जाएगा तो प्लस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व पावर सेवन हो जाएगी तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन अब यहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन है तो लॉग दोनों के साथ सेपरेट लिखेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा लॉग वन प्लस लॉग टेन पावर सेवन अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो सेवन लॉग टेन करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा टेन लॉग वन की वैल्यू आ गई जीरो प्लस सेवन पहले लिख दिया मल्टीप्लाई बाय वन लॉग टेन की वैल्यू वन तो ये सिंप्लीफाई हो के हमारे पास आ जाएगा सेवन टी क्योंकि ये सेवन हो जाएगा सेवन टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल होगा सेवनटी डेसिबल के इसके बाद प्रॉब्लम नंबर थ्री है ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाई बिल्डिंग एक पर्सन हाई बिल्डिंग के सामने खड़ा है इफ ही स्पीक्स लाउडली एंड हेयर द इको ऑफ हिज वॉइस आफ्टर वन सेकेंड और अगर वो ऊंचा बोलता है इको प्रोड्यूस होती है जो साउंड से वो एक सेकंड के बाद उसे सुनाई देती है तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिम तो उस पर्सन से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है और टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड एयर में वो वैल्यू भी गिवन है तो इसमें डाटा में क्या बात कही गई है स्पीक्स लाउडली हेयर वॉइस आफ्टर वन सैकेंड तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा वन सैकेंड के फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिम डिस्टेंस s फाइंड करना है और टेक स्पीड ऑफ साउंड तो v की वैल्यू हमारे पास 344 मीटर पर सेकंड आ गई सॉल्यूशन इसका देखते हैं तो so, s v t का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी 344 है टाइम 1 है पुट किया तो डिस्टेंस आ जाता है 344 मीटर ये हमारे पास है वो साउंड जो के उसे यहां से पर्सन जिस पॉइंट पे मौजूद था वहाँ से उसने इमिट किया वो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो सामने वाली बिल्डिंग से टकरा के फिर वापस आया उस पॉइंट तक यानी कि ये डबल उसने डिस्टेंस कवर किया है जबकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस पर्सन का बिल्डिंग तक तो हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस को जो डबल कवर हुआ था उस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टू से तो पर्सन से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस आ जाएगा तो फॉर इको हम क्या करेंगे फॉर इको दिस डिस्टेंस इज हाफ तो s इक्वल हो जाएगा थ्री फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू के तो डिस्टेंस आ जाएगा वन सेवनटी टू मीटर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर फोर है ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर एट रूम टेम्परेचर विद सेवनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर साउंड वेव ट्रेवल कर रही है एयर में रूम टेम्परेचर पे और वेव लेंथ उसका कितना है सेवनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फाउंड करनी है जबकि स्पीड ऑफ साउंड एयर में थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड है डाटा हम नोट कर लेते हैं लैम्डा इक्वल होगा सेवनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर के ट्रैवलिंग इन एयर एट रूम टेम्परेचर वेव लेंथ सेवनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन सेवन टू मीटर आ जाएगा कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करते हैं वी इक्वल टू एफ लैमडा फार्मूला हमारे पास यूज होगा जो वोलास्टिव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन है वी इक्वल टू एफ लैमडा उसमें हम वैल्यूज पुट करने से पहले लैमडा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी को एक तरफ कर लेंगे इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू ओवर हो जाएगा अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे f इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी 344 गिवन है और लैमडा की वैल्यू पॉइंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी टू थाउजेंड हर्ड्स इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर फाइव एन अल्ट्रासाउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्टी फाइव किलो हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स इन वाटर अल्ट्रासाउंड वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी 35 किलोहर्ट्ज़ है और वो वाटर में ट्रेवल कर रही है वट विल बी इट्स वेवलेंथ इन वाटर उसकी वेवलेंथ वाटर में कितनी होगी इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड अगर वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1400 मीटर पर सेकेंड हो तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 फाइव किलो हर्ट्स तो एफ हमारे पास आ जाएगा 35 किलो हर्ट्स के इसको यूनिट SI में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट SI है है तो 35 किलो की वैल्यू होती है, thousand, तो थाउजेंड मल्टीप्लाई आ जाएगा फाइंड करना है इन वाटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज फोर्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड बी हमेंटीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड का तो सोलूशन स्टार्ट करते हैं जो इससे पिछले नोमेरिकल में फार्मूला यूज किया लैमडा फाइंड करना है तो लैमडा इसी तरफ रहेगा ये एफ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा वी ओवर एफ हो जाएगा तो लैमडा टू वी ओवर एफ इसमें वैल्यू स्पोर्ट करेंगे पॉइंट जीरो फोर मीटर इसके बाद नेक्स्ट नोमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर सिक्स सर्टेन साउंड सिग्नल सी एट किलो हर्ट एंड लेंथ टू फाइव सेंटीमीटर इन एयर साउंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एट किलो हर्ट्स है और जो वेन्थ है वो सेंटीमीटर है कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी एट किलो हर्ट्स इसको भी में कन्वर्ट करेंगे तो एफ इक्वल टू एट थाउजेंड हर्ड्स आ जाएगा किलो की वैल्यू थाउजेंड होती है तो मल्टीप्लाई होके एट थाउजेंड हर्ड्स वेव लेंथ फोर पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर आ गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी फाइंड करना है तो सोल्यूशन में हम वही फार्मूला फार्मूलामडा तो यूज करेंगे इसमें वी फाइंड करना है तो बाकी दो वैल्यूज पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी एट थाउजेंड और लैमडा की वैल्यू पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड की तो यहां तक इस चैप्टर के न्योमेरिकल प्रॉब्लम्स थे मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं थैंक यू